नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ओकापी व्लॉग्स में। आज हम आपको शीशम के पेड़ के औषधीय फायदों के बारे में बताएंगे। शीशम के पेड़ आमतौर पर खेतों में या जंगलों में आमतौर पर देखने को मिलते हैं, लेकिन यह आजकल सड़कों के किनारे भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, शीशम के पेड़ पर पत्तों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण यह अपने आसपास के वातावरण को भी काफ़ी ज़्यादा शुद्ध रखता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में शीशम के बारे में और भी बहुत सी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरी देखना। दोस्तों, ये शीशम की पत्तियां हैं जिनकी आकृति देखने में पीपल के पत्तों के समान दिखाई देती है। और दोस्तों, ये है शीशम की फलियां, इनके अंदर बीज होते हैं। इन बीजों के द्वारा आप शीशम का पेड़ लगा सकते हो। और दोस्तों, यदि शीशम के पत्तों का रोजाना सेवन किया जाए तो यह रक्त को शुद्ध करता है। दोस्तों, यदि शीशम के पत्तों को छाया में सुखाकर इसका बारीक चूर्ण बना लिया जाए और रोजाना 2 से 3 ग्राम पानी के साथ में लिया जाए तो इससे रक्त से संबंधित सारी बीमारियां दूर हो जाती है। यदि आप चाहे तो इसमें मिश्री मिलाकर भी इसे ले सकते हैं और इसके ताजा पत्तों को रोज चबाने से भी लाभ मिलता है। जिन लोगों में खून की कमी है, वह शीशम के पत्तों के रस का सेवन करें और पत्तों को कूटकर 5 से 10 ग्राम की मात्रा में रस मिलाकर उसमें मिश्री मिलाकर रोज सुबह शाम पीने से खून की कमी दूर होती है। यह बुखार में भी बहुत अच्छा काम करता है। काढ़ा बनाकर पीने से बुखार ठीक होता है। आंखों की बीमारियों में शीशम के पत्तों के रस में शहद मिलाकर एक एक बूंद आँख में डालने से आँख के रोग ठीक हो जाते हैं। पेट से संबंधित बीमारियों में भी यह बहुत लाभदायक है। पेट में बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। दोस्तों, यदि इसकी छाल का काढ़ा बनाकर सेवन करें तो उससे मधुमेह यानी कि शुगर रोग ठीक हो जाता है। शीशम का तेल भी आता है, जिससे दांत, खाज, खुजली आदि चमड़ी से संबंधित रोगों पर लगाने पर ही राहत मिल जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार शीशम के बहुत सारे फायदे हैं और जिनके कारण बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।